अप्रैल में निकली प्याज को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में काफी किसानों ने प्याज स्टोर करके रखी हुई थी, लेकिन जब इसका अच्छा दाम मिलना था तब उसे मानसून की नजर लग गई। जरूरत से ज्यादा बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव जिला स्थित 40 गांव तहसील क्षेत्र में बारिश की वजह से चली नम हवाओं से किसानों की प्याज सड़ गई और काफी नुकसान भी देखने को मिला है। वहीं एक किसान की माने तो उन्होंने अप्रैल में 300 क्विंटल प्याज को स्टोर कर रखा था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 800 से 900 रुपए क्विंटल का दाम था। इस बीच आए दो चक्रवातों, बाढ़ और अतिवृष्टि ने प्याज को खराब करना शुरू कर दिया। कुछ किसानों के स्टोर में पानी घुस गया तो कुछ के स्टोर में नमी की वजह से प्याज सड़ने लगी। किसानों का कहना है कि इस वक्त प्याज का औसत दाम 1300 से 1400 रुपए क्विंटल है। अब बताइए कि अगर आधा या उससे अधिक प्याज सड़ गया तो घाटा ही हुआ ना। हजारों किसानों के साथ ऐसी समस्या है, लेकिन राज्य सरकार ने एक रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया है। फसलों की नर्सरी तक खराब हो गई, लेकिन उसके मुआवजे के लिए भी कुछ नहीं हुआ। कई राज्यों में प्याज की खेती करने पर सरकार आर्थिक मदद देती है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं मिलता। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है। प्याज के दूसरे सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। ये जनवरी से मार्च के बीच तैयार हो जाती है। प्याज की तीसरी फसल रबी फसल है, इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है, जबकि फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में ही होता है। जुलाई से अगस्त में बोई जाने वाली प्याज को बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में इसकी खेती देखी जा सकती है, लेकिन नासिक, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर और धुले जिलों में इसकी खेती पर सबसे ज्यादा किसान निर्भर रहते हैं। इसमें से भी नासिक सबसे ज्यादा फेमस है। इसी जिले के लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी मंडी प्याज मंडी है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले के अनुसार 30 रुपये प्रति किलो से कम रेट पर प्याज बेचने पर किसानों को घाटा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में ही बताया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने पर 9.34 रुपये की लागत आती है और 4 साल में यह बढ़कर अब 15 से 16 रुपये किलो तक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।